हाई ऑल द एम बी एस्पिरंस दिस इज़ द कॉलेज टू डे दैट वी विल भी टॉकिंग अबाउट सिम्बाइसिस एंड सिम्बाइसिस के कई सारे हैं कई सारे उनके अलग अलग कॉलेज हैं दे हैव कैम्पस ऑल्सो इन हैदराबाद में भी है दे हैव ओपन रिसेंटली इन इंदौर ऑल्सो दे है कैम्पस इन चंडीगढ़ ऑल्सो बट ये जो कॉलेज है दिस स्पेसिफिक कॉलेज दिस इज सिम्बाइसिस स्कूल ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस तो स्टूडेंट्स जो एस्परेंट्स हैं जो लोग हैं जिनको बैंक में काम करना है या फिर फाइनेंस यानी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करना है म्यूचुअल फंड्स में काम करना है लोन्स में काम करना है नॉन बैंकिंग की से रिलेटेड ये जितनी भी फाइनेंशियल कंपनीज हैं वहाँ काम करना है उनके लिए है हाइस्ट सी टी सी इज़ फिफ्टीन लैक्स नॉट बैड एट ऑल दो uh, परसेप्शन जो एम बी का रहता है या आजकल जो एक परसेप्शन एंड एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट्स की रहती है कि 24 फोर ,00 से नीचे क्या अच्छा है आई रियली डोंट एग्री विद इट बिकॉज इट इज़ नॉट दैट रियलिस्टिक ये केवल अपने को मोटिवेट करने के तरीके हैं या अपने को परेशान करने की बातें हैं पहले तो उतना पैसे के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए वेन इट कम्स टू जॉब बिकॉज द मोर यू वर्क द मोर यू विल अर्न वो हो ही जाता है आपको अपना डायरेक्शन सेट करना है एवरेज सी टी सी इलेवन है मीडियम टेन के आसपास है टेन का मतलब है रफली सेवेंटी थाउजेंड इन हैंड ये एक अप्रॉक्स में बता रहा हूं इट कैन वेरी कंपनी टू कंपनी बट इतना तो आता ही है ऑलमोस्ट इनके वहां जो एम बी एज नंबर वन एम बी ए बिजनेस फाइनेंस तो है ही हैव अ डुअल डिग्री इन विथ टू यूनिवर्सिटीज तो अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड हॉस्टल यू आर लुकिंग फॉर सेफ्टी एंड यू आर लुकिंग फॉर गुड टीचर्स अच्छे टीचर्स आपको चाहिए तो यहां पर ये यह सब अवेलेबल है प्लस दिस इज इन पुणे सो अगेन कंपनीज पुणे से ही आती हैं एंड वहां पर आपको आराम से आपकी हायरिंग हो जाती है सेलेक्शन प्रोसेस के अंदर स्नैप विल बी स्केंड डाउन टू फिफ्टी मार्क्स ये ठीक है तो एक तरह से वो कह रहे हैं कि हम फिफ्टी परसेंट वेटेज लेंगे स्नैप का एंड फिफ्टी परसेंट वेटेज जो होगा ग्रुप डिस्कशन इन इंडिविजुअल इंटरव्यू जिसमें एकेडमिक परफॉर्मेंस रहेगा आपका और वर्कैक्स रहेगा तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिलेक्शन कंपनीज या सारी आ रही हैं जैसे क्रिसल आ रही है क्रिसल रेटिंग कंपनी आपकी कंसल्टिंग फॉर्म्स लाइक डेलॉइट बी एन वाई ये आ रही हैं एस बी आई म्यूचुअल फंड दैट इज़ अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी अगैन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कंसल्टिंग कंपनी तो सिम्बाइसिस का बहुत अच्छा होल्ड है वेरी गुड रिलेशनशिप्स विद द कॉरपोरेट्स तो वहाँ पर अच्छी कंपनीज आती ही हैं दैट इज़ ऑलमोस्ट फॉर श्योर लेट इज लुक एट द फीस फीस जो इनकी है दैट इज रफली इक्वलेंट टू ट्वेंटी लैक्स ट्वेंटी लैक्स और अगर आपका मीडियम हम देख रहे हैं टेन लैक्स का है टेन लैक्स का है तो आर ओ आई आर ओ वाई आ जाता है रफली फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट आर ओ आई इज कंसिडर्ड गुड यहाँ से शुरू हो जाता है कि इफ़ यू कैन हैव अ फिफ्टी परसेंट आर ओ आई तो एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट बच्चों का तो अच्छा आर ओ आई लग रहा है बट ये जो फीस आप दे रहे हो दिस इज नॉट जस्ट फॉर प्लेसमेंट तो आर वाई इज नॉट अ वेरी गुड पैरामीटर कि हम जिसमें कहें ओके दिस कॉलेज इज द बेस्ट क्योंकि आर वाई बेस्ट दे रहा है नहीं बिकॉज इफ़ यू आर अ गर्ल स्टूडेंट इफ़ यू आर प्रवेटिंग फ्रॉम अ कोर टू बैंकिंग सर्विसेज तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होने लग जाता है तो एजुकेशन क्वालिटी हॉस्टल की क्वालिटी सिटी सिटी में अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ये सारी देखी जाएंगी तो यहाँ पे ये कॉलेज आर वाई तो फिफ्टी दे रहा है बट अगर मैं ये नीचे वाले भी एस्पेक्ट्स मिला लूँ मुझे लगता है इट इज़ वर्थ एट लीस्ट सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ योर मनी ऐसा कोई भी इशू नहीं है तो बीस लाख तक की फीस है दिस इज़ वेरी फेमस कॉलेज फॉर द स्टूडेंट्स इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट जो यहाँ एट्टी परसेंट के करीब हैं आई आई एम्स में आई आई एम्स में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स रफली सिक्सटी परसेंट के करीब होते हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स केवल 11% परसेंट है तो आई वुड रियली रिकमेंड उन स्टूडेंट्स को जो लोग बी कर रहे हैं फ्रॉम कोर कम कोर ब्रांचेस कोर ब्रांचेस एंड एक आप फंस गए हो तो आप मैकेनिकल से हो आप सिविल से हो आप इलेक्ट्रिकल से हो आप बायोटेक uh, से हो माइनिंग से हो आप माइनिंग के अलावा मेटलर्जी से हो एंड इफ़ यू वॉन्ट टू शिफ्ट टू वॉट टू बी एफ एस आई इंडस्ट्री बैंकिंग फाइनेंसिस सर्विस इंडस्ट्री सो दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन प्लस यहाँ पर आप मैंने जो स्टूडेंट से बात करी तो रफली एक प्रोफाइल उनका रहता है अकेडमिक प्रोफाइल कि टेंथ में उनके नाइन्टी uh, परसेंट आए हुए होते हैं ठीक है और ये ये अराउंड थर्टी परसेंट बच्चे हैं ये एक आइडिया दे रहा हूं मैं दिस इज वेरी वेरी अप्रॉक्स एंड स्पेकुलेटिव जो मैंने डेटा कलेक्ट किया और बहुत से स्टूडेंट सेवेंटी टू एट्टी परसेंट में होते हैं दैट इज रफली फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट और दिस इज देयर प्रोफाइल की नाइनटी एंड इसमें एंड दिस इज इन क्लास टेंथ एंड ट्वेल्थ ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ बहुत आते हैं तो स्टूडेंट क्वालिटी इज गुड स्टूडेंट क्वालिटी इज गुड प्लस सेकेंडली दे आर पेइंग अ हेफ्टी अमाउंट तो ये भी एक सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर हो जाता है सो ऑल ऑफ दिस इज अबाउट सिम्बाइसिस स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस एंड आई रियली रिकमेंड कि आप इसमें देखिए एंड एक्सपेक्टेशंस अपने एम बी ए के बाद एम बी ए के बाद अगर आप वन लैख वन लैख पर मंथ पे स्टार्ट कर सकते हो एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेशर्स विदाउट वर्क एक्सपीरियंस सो दिस विल बी कंसिडर्ड वेरी 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 गुड यहाँ से बिकॉज वन लैख से टू या थ्री लैक्स में पहुँचना, इट इज नॉट लाइक कि नहीं दिस इज इम्पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा इट इज वेरी मच पॉसिबल थैंक यू वेरी मच हमारी सर्विसेज आप लेना चाहें तो यू आर ऑल वेलकम थैंक यू वेरी मच